हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताएंगे जो 99% लोग नहीं जानते हैं और शायद आप भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये पावर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप मोबाइल में एक लॉकडाउन का बटन जो है आपको शो कर रहा है। लेकिन आपके मोबाइल में क्या होता होगा, नॉर्मल पावर बटन और रीस्टार्ट का बटन ही या फिर स्क्रीनशॉट भी शो नहीं करता होगा। लेकिन आपको ये पावर बटन में आपको जो ये लॉकडाउन है ये कैसे शो करता है और ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या फ़ायदे, ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, पहले आप वीडियो को देख लीजिए तब लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये फीचर आप जानते थे पहले से या नहीं जानते थे और ये जानना कितना ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए ये जो मोबाइल में लॉकडाउन बटन देख रहे हैं आप, ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे आप अपने मोबाइल में जैसे ही लॉक लगा के सो गए, आपने अपने मोबाइल में लॉक लगा के ऐसे सो गए और फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप सो गए नींद में और कोई चाहे तो आपके फिंगरप्रिंट को यहाँ से जैसे यहाँ से टच कर दिया और टच करने के बाद आपका मोबाइल जो है फ्रेंड्स ओपन हो गया। इस तरह से आप सोए रहेंगे और आपका मोबाइल कोई भी ओपन कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब आप अपने मोबाइल में लॉकडाउन को इनेबल कर देंगे तो आप सोए भी रहेंगे, तब आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा और ना ही फेस प्रिंट काम करेगा। तो चलिए देखिए जो ये पावर बटन है, मैंने इसको प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लॉकडाउन का ऑप्शन आ गया। लेकिन चलिए मैं यहाँ से लॉकडाउन को इनेबल कर देता हूँ और लॉकडाउन को इनेबल कर दिया फ्रेंड्स। देखिए अब मेरा मोबाइल लॉक हो चुका है ये देखिए। लेकिन अब जो मैं इसे अगर हम सोए हुए रहेंगे और कोई भी मेरे फिंगर को सटाएगा तो ये लॉक नहीं खुलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे इसे लॉक लगा, देखिए यहाँ पे जो है पैटर्न मांग रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स कितना ज़रूरी ये सेटिंग है, जो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते थे तो आज जान लिए और ये कितना ज़रूरी है आप खुद ही बता सकते हैं फ्रेंड। देखिए कोई कितना बार भी ये फिंगरप्रिंट सटाएंगे तो ये लॉक नहीं खुलेगा जब तक हम पैटर्न नहीं डालेंगे। तो देखिए हम फिर से पैटर्न देते हैं, तो मैंने पैटर्न दे दिया और अगर हम फिर से ऐसे लॉक कर दिए, नॉर्मली लॉक कर दिया और फिर से जब फिंगर डालेंगे तो ये खुल जाएगा फ्रेंड्स देखिए। और जब यही हम इसे पावर लॉकडाउन कर देंगे, फिर से हम यहाँ से लॉकडाउन कर दिए इसे, यहाँ से हम इसे लॉकडाउन कर दिए फ्रेंड्स। और अब हम सो भी जाएंगे या मोबाइल कहीं भी रखा रहेगा और कोई ज़बरदस्ती करना चाहेगा मेरा फिंगर सटाएगा तो ये नहीं खुलेगा। देखिए ये पैटर्न मांग रहा है। तो इस तरह से आप भी ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब आप रात को सोने लगते हैं तो आप अपने मोबाइल में या फिर जब कहीं ऐसे जगह पर जब आपको लगता है कि कोई भी अगर आपके फिंगर से खोल सकता है तो आप यहाँ से लॉकडाउन करके सो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पावर बटन में तो ऐसा लॉकडाउन का ये बटन ही शो नहीं कर रहा होगा, तो आपको ये कैसे करना है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। पहले इसके लिए हम अपने मोबाइल को यहाँ से लॉक को खोल लिए। इसके लिए आपको कोई भी अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर डिस्प्ले का, तो आपको डिस्प्ले के ऑप्शन को टच कर लेना है। और डिस्प्ले के ऑप्शन को टच करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड्स एम्बिएंट डिस्प्ले का, और एम्बिएंट डिस्प्ले को यहाँ से टच करना है आपको। और टच करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख गया शो लॉकडाउन ऑप्शन। और आप चाहे तो फिर इसे सर्च भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए यहाँ से बैक जाएंगे और जाने के बाद अगर आपको ऐसा आपके मोबाइल में ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सीधा सर्च करेंगे लॉकडाउन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है शो लॉकडाउन ऑप्शन। तो देखिए यहाँ से जैसे ही इसे हम यहाँ से इनेबल, जो यहाँ पे देखिए मैंने चालू करके रखा है, जैसे यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स और जैसे ये पावर बटन को प्रेस किए, देखिए यहाँ पे लॉकडाउन का ऑप्शन हट गया। लेकिन अगर देखिए फ्रेंड्स जैसे हम इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और जैसे ये पावर बटन यहाँ से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये लॉकडाउन का ऑप्शन आ गया। सो फ्रेंड्स ये अभी जितना भी नया मोबाइल आ रहा है और एंड्रॉयड 8 से जितना ऊपर वर्जन का है सारे मोबाइल में ये फंक्शन अवेलेबल है। और जो मैंने जिस ये माइक्रोमैक्स के मोबाइल से बताया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये माइक्रोमैक्स का मोबाइल है और इसी मोबाइल से मैंने आपको वीडियो दिखाया है। सो फ्रेंड्स आपका कौन सा मोबाइल है और उसमें सेटिंग है या नहीं है, आप हमें अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि ये सेटिंग को कैसे इनेबल करना है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस आई बटन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।